निमृत तू ना सच्ची में पटियाले चली जा। अरे ये क्या देख रही हो तुम मेरे फोन में? अरे ये फोटो देख रही हो? अरे ये फोटो तो ना एक्ट कर रहे थे हम एक्टर। ये ना बिट्टू ने वहां पे पिक्स क्लिक कर ली। अब ये लड़की ना मुझसे बार बार फोटोज मांग रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या है ये क्या? अरे निमृत ले आ ब्रेकफास्ट। और कितनी देर लगाएगी? आ गई जी, 2 मिनट। सॉरी जी, आज मेरे घर के तुझे लेट हो गए ना। हो रे यार, तुमने लेट करा दिया मुझे। अच्छा मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। ठीक है, खाओ जल्दी। ध्यान से जाना, आज तो बिट्टू भी नहीं आया। दस्त बन जाएगी। चले ले, शैतान का नाम लिया था। हाजिर है शैतान। चलिए प्रभु, शैतान आपका पुष्पक विमान लेकर आ गया नीचे। पधारिए, बहुत जल्दी में हम। अरे तेरे को क्या जल्दी है, सारा दिन तो बेला रहता है तू। जल्दी तो मेरे को है, ये पकड़। ये खात लेते। नहीं नहीं, बस मिट्टू खाना है, हमको दे दो बाबू। चलो ठीक है, भाजाई बाय। हाँ जी मैम, आपकी रिपोर्ट्स। डॉक्टर की रिपोर्ट्स? थैंक यू। भाई शुक्र है तेरा, ऐसे नहीं बताऊंगी इनको, किसी खास मौके में बताऊंगी। अबे बस तू यहीं पे रुक। यहाँ? अबे ऑफिस तो तुम्हारा आगे है। तेरे से मतलब, तू जा। लड़की का चक्कर जग्गी भैया है। ऐसा की कोई गल नहीं, मैं बहुत सियाणा बंदा है, तू भी सियाणा बन जा। हमको तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। जा रहे, धक्का क्या मार रहे हो? अबे जा, 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 जा। अरे सॉरी यार प्रीति, लेट हो गया मैं। क्या यार, कितना टाइम लगा दिया तुमने, पता है कितनी देर से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। घर पे लेट हो गया, तुम्हें पता तो है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारियाँ हैं। हाँ कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। हाँ बस मुझे अब तेरा ही तो सहारा है। हाँ हाँ हाँ, चले अब। हाँ अरे कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ से ढूंढ लेती हो तुम इतने अच्छे रेस्टोरेंट। कॉफी भी इतनी अच्छी है। पियो। देखो यार, मैंने सोच लिया, शादी कर ली। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुमने एकदम से शादी की बात कर दी ना, एक्साइटेड हो गया मैं तो। बस फिर ठीक है, मेरे घर आके शादी की बात करो, जबकि तुम्हें पता है मेरे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब तुम मुझे भी नहीं कुछ समझती है ना। आई मीन टू से, माँ बाप बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, उसके बाद भाई ने ही मुझे संभाला है। अरे मैं संभालूंगा ना तुम्हें। और ये शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रही हो तुम? कर लूंगा मैं बात तुम्हारे भाई से। तुम मेरे से शादी नहीं करवाना चाहते है ना? अरे क्यों नहीं करना चाहूंगा शादी, करेंगे ना शादी। तो बस फिर ठीक है, मेरे घर आओ, शादी की बात करो और मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ। मिलाऊंगा ना माँ से, पर मैं पहले तुम्हारे भाई से तो मिल लूं। बस फिर ठीक है, मैं घर जाके शादी की बात करूंगी। yes! जबकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी के लिए।
अबे ऐसे चुप चुप कहाँ बैठे हो, कहाँ हो गया, कहाँ सोच रहे हो? अरे बिट्टू हाँ मुझे एक बात बता। हाँ मान ले तेरी नहीं, तेरी नहीं मान ले मेरी शादी हो रखी है, तो इसमें मानने वाली क्या बात है, वो तो हो ही रखी है। और अब तू सोच मैं बाहर किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की मुझसे प्यार करती है। हाँ अब तू बता मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि क्या बोले जा रहे हो है? एक तो तुम्हारी शादी हो रखी है, ऊपर से तुम ये बाहर चक्कर चलाने की बातें कर रहे हो। अबे इन सब चक्करों से बाहर निकलो। क्या हो गया यार, ये कर क्या रहे हो तुम? अरे गाड़ी पंचर हो गई, नीचे उतरो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा दो दो शादियां करवा ले और उन दोनों को कुछ पता ही ना चले। कैसे कैसे नहीं पता लगेगा निमृत भाभी को है? और तुमको दिक्कत कहाँ है निमृत भाभी से? अरे मुझे तेरी निमृत भाभी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है तो अपनी लाइफ से। अब देख मेरे पास है ही क्या, तेरे पास तो एक घटिया सी बाइक भी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है मेरे पास। और प्रीति इतनी रिच है ना कि ये BMW ऑडी ये तो उसके घर में आम खड़ी है आम। एक मिनट, अब ये प्रीति कौन है? तेरी होने वाली भौजाई। तुम मरोगे, तुम मरोगे। ओ नहीं मरदा, मेरी गल सुन, तू ना मेरा बस साथ दे, मैं तेरे नाल गल है ताही शेयर कीती आ ताकि तू मेरी इस च हेल्प कर सके। एक तो तुम ये जब भी पंजाबी में बात करते हो ना तब कोई कांड करने वाले होते हो, और हम क्यों साथ दे तुम्हारा है? खुद तो मरोगे और हमें भी साथ में लेके मरोगे, तुम हम नहीं देने वाले साथ बात तुम्हारा। यार देख बिट्टू तू कब तक ये घटिया जॉब करेगा है, मेरी बात सुन, बंगलों में जाएंगे दोनों भाई, इकट्ठे रहेंगे इकट्ठे, और शानदार लाइफ होगी हमारी, शानदार। वो सब तो ठीक है लेकिन अगर निमृत भाभी को पता लग गया तो? वो नहीं पता चलदा, आएंगे मैं पता चल जूंगा। तू मेरी गल सुन, कल जाना आपा उन्होंने घरे, ते रिश्ते की गल चलूगी उत्थे, तू बस मेरा साथ दई यार, ठीक है? मना ना करी प्लीज। चलो ठीक है लेकिन तुम देखो फिर से पंजाबी में बात कर रहे हो। ओ यार तेनु बहम हो गया पंजाबी जी थोड़ी गल कर रहे, मतलब तुझे बहम हो गया बहम। चलो आओ धक्का मारो यार। हाँ इसको लेके चलो अब। आपका मोटरसाइकिल पे दिल्ली से उत्तर प्रदेश ले जाओगे, कितना दूर है? अभी बस आ गए, आ गए, बस 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 यहीं रुक। देखो ऐसा है हमको ना बहुत घबराहट सी हो रही है, अगर तुमको डर वर नहीं लगता है का? ये सब हम बहुत गलत कर रहे हैं यार। पीछे तो देख डार्लिंग, हम बहुत सही कर रहे हैं यार, ये तो महल है। नहीं इसी महल में तो शिफ्ट होना है हमको। हाँ ये बस हमारा ही है भाई, तुम तो बहुत बड़ा हाथ मारे हो बे। ओ हाथ नहीं जप मारे, जप जप, यू डोंट नो जप। ओए हग, देखो एक तो तुम ये हिंदी और पंजाबी को ना मिक्स करके मत बोला करो, या तो तुम हिंदी बोलो या पंजाबी बोलो, ये हंजाबी का ना मिक्स वेज हमको मत खिलाया करो, तो हमको वैसे डर लग रहा है, ऊपर से तुमको डर नहीं लगता है क्या? साले एक नंबर का ना फट्टू है तू, क्यों डर रहा है जब मैं तेरे साथ हूँ? आजा आजा जल्दी से आजा। मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दे, कोई चुराएगा तो नहीं? साले हार ले ये चुराने को। देखो मोटरसाइकिल के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, हमको कुछ भी बोल लो तुम। अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, कुछ नहीं बोलूंगा, आ जाओ बस तुम। और औकात मेरे साले, औकात मेरे। अरे क्या बात है प्रीति, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। जग्गी, जग्गी, जग्गी भाई कंट्रोल करो यार। अबे कंट्रोल ही तो नहीं होता, मान जाओ भाई मान जाओ। क्या अबे चुप कर, बहुत मार खाओगे। अबे क्यों मार खाऊंगा, और तू ये बार बार खांस क्यों रहा है, टीवी है क्या साले तुझे? क्या यूं यूं क्या क्या, अबे वहां देखो यार। सत श्री अकाल वीरे। ए मेरा भाई बिट्टू, मेरा दोस्त बिट्टू, ए मेरी
आपकी आपकी बहन प्रीति प्रीति सस्ती कर बड़ी अंदर चले अंदर बैठ के बात करते हैं अंदर चलते हैं अंदर चलते क्या नाम बताया था भाई जग्गी हाँ तो मिस्टर जग्गी क्या करते हो फिलहाल तो ही पानी पींदा सी अबे लाइफ में काम क्या करता है तू भाई भाई ये जॉब करता है ये ऑफिस वर्क करता है तुझसे पूछा हाँ जी ऑफिस वर्क ही करते हैं जी इमिग्रेशन ऑफिस में जॉब करता हूँ जी वहाँ पे ना वीजे लगवाते हैं वीजे अच्छा तो दल्ला है तू दल्ला दलाल थोड़ी है इनो वो बिचौलिया है तो मिस्टर बिचौलिया ये बताओ कमाते कितना हो हम बताते हैं पूरा 15,000 रुपए कमाता है और 4,000-5,000 रुपए हटा के हर महीने 10,000 रुपए बचा भी लेता है 10,000 हाँ जी अबे 10,000 के हमारा कुत्ता बिस्किट खाता है चाहते हैं 10,000 उनके घर में कुत्ता बन जाते और ये करेगा शादी तुझसे 15,000 में क्या खिलाएगा पिलाएगा क्या दिलाएगा तुझे देखो जी कुछ खिलाऊं या ना खिलाऊं कुछ दिलाऊं या ना दिलाऊं पर आपकी बहन को ना सारी उम्र खुश रखूंगा इस बात की ना गारंटी देता हूं दो गारंटी दो गारंटी हम खास दे हम तो लाए नहीं पांक ये फिल्मी डायलॉग मत मार और ये शादी नहीं हो सकती भाई ये क्या बोल रहे हो आप तो अगर आपकी यही जिद है तो मेरी भी जिद है शादी करूंगी तो सिर्फ जग्गी से करूंगी नहीं तो किसी से नहीं करूंगी वाह चलो ठीक है जी आपने तो करवानी नहीं अब शादी हम चलते हैं चल बिट्टू 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 हाँ हाँ चलते हैं पर एक बात बता रहे भैया तुम ना एक नंबर के क्रूर आदमी हो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हो तुम कल को मान लो शादी नहीं हुई कहीं ट्रेन के नीचे आके मरमुरा गए तो इसके जिम्मेदार ना तुम होगे और हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह 5:30 बजे की ट्रेन जाके और कल की ट्रेन थोड़ा 20 मिनट लेट है चल चल बिट्टू चलते हैं हाँ चलो चलो अच्छा रुको घर में कौन कौन है घर में जी मम्मी पापा और मैं उनका इकलौता पुत्र जी और कहाँ रहते हो रजौरी में रहता हूँ जी 2 BHK फ्लैट में किराए पे अपना लेने के बारे में भी सोच रहा हूँ ये प्लान कर रहा हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं है कल से अपना सामान उठाओ और यहाँ पे आ जाओ अच्छे ठीक है आके मेरी बहन भी आधी जायदाद की मालिक है इसका भी तो हक बनता है और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ चलो अब जाओ ठीक है जी चल बिट्टू अच्छा सुनो अपने मम्मी पापा को जरूर ले गया ना हमारे माँ बाप तो है नहीं बड़ों का भी तो आशीर्वाद चाहिए होता है हाँ जी ले आएंगे क्यों लेके आएंगे चलो अब चलो चल बिट्टू का बकवास कर रहा है तुम अंदर एक बात बताओ अंदर जाके ही बोलने का जरूरत थी कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ये नहीं बोल सकते थे कि तुम मर मुरा गए तुम अकेले हो सड़े पागल हैं तू हाँ हम पागल हैं अब कहाँ से रातों रात तुम्हारे लिए माँ बाप पैदा करें ना तेनू कहते वास्ते रखे नाल होए
तू कर कोई जुगाड़? हिंदी में बोलो यार तुम। तुझे किस लिए रखा है साथ में? तू लाना कोई जुगाड़, नहीं तेरे से होगा नहीं, तू रहने दे। इतना बड़ा घर रह लूंगा मैं अकेला, जा कोई और ढूंढ लूंगा साथी। तू तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। होगा अरे तेरे से नहीं होगा। अरे होगा यार, सुन ले, हो जाएगा यार। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि हम रातों रात तुम्हारे लिए नकली माँ बाप पैदा कर दे। नकली माँ बाप पैदा कर देते ना, नकली माँ बाप पैदा कर देते। हाँ आइडिया मारा नहीं तेरा। अरे अंकल एक तो तुम ऐसे पकड़ के मत बैठो यार, हमको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा दूर होकर बैठो। और सुनो, तुमको समझाए थे ना क्या करना है, वहाँ एकदम एक्टिंग ऐसी करना, एकदम एक्टिंग जैसी, ठीक है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कहा बिल्कुल, क्या करोगे? मुझे ना बिट्टू पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मरवाएगा जी आज मुझे। सुनो कुछ भी उल्टा पुल्टा काम मत करना वहाँ पे, ठीक है? जल्दी से कोई बहाना सोच ले प्रीति के भाई को बोलने के लिए। यार एक तो ऐसे इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से चिपक के बैठो, दूर होकर बैठो ना, मेहरारू थोड़ी है तुम्हारी। अरे आंटी चुप रहो यार तुम, लो आ गए, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। अरे तुमने मूड खराब कर दिया यार, सूट खराब की टेंशन ले रही हो तुम। जग्गी भाई ले आया, देखो माँ बाप। अबे वो तो ठीक है, वो कर क्या रहा है? ए, अंकल ये क्या है, ये क्या है? चेन चढ़ाओ यार अंकल, इनको शर्म नहीं आती है क्या आंटी? चढ़ाओ चेन चढ़ाओ। और ये बेल्ट, ये कैसे पहने हो बेल्ट? तुम्हारी घड़ी कहाँ है? घड़ी दिए थे ना, कहाँ है? हाँ ये जेब में रखने के लिए दिए तुमको, पहनो इसको। यार तुम भी अंकल क्या। अबे साले मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओ ये तो बार डांसर थी। अब तो एक साल पहले बार डांसर थी, अब थोड़ी है हा? और वैसे तो ये अंकल भी चाय वाले हैं, तो तुम डिस्क्रिमिनेशन मत करा करो। ओ तेरा वो बैजे बेड़ा हो, तेन चाल ही मिले सीगा, तेनू प्रोफेशनल बंदे नहीं मिले। देखो एक तो तुम ये पंजाबी में बात मत करा करो हमसे, तुम जब भी पंजाबी में बात करते हो तो हमारी भी जाती है यार। देखो एक दिन की बात है, अब एक दिन में तुम्हारे लिए कहाँ से हम निरूपा रहे और एक हंगल लेकर आए, अब इनमें काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? और देखो तुमको हम पे भरोसा है कि नहीं? ना। अंकल आओ, अंकल छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा मेरी बात सुन, इनको सब समझा दिया ना अच्छे से यार? एक तो मेरी हिंदी, मुझसे पंजाबी में बात कर ले तू, इन्हें समझा आता सब कुछ? अरे सरदार जी फिक्र ना करो, बचपन में मैंने बहुत एक्टिंग की है। आंटी वाह, मेरे परमात्मा मुझे बचा लेना, आज शाम को मैं लड्डुओं का डब्बा चढ़ाऊंगा, आज बचा लेना। एक साला कैसे हीरो बन रहा है। आंटी ये टैटू? ये टैटू? हाँ ये टैटू तो मैंने एक दिन नशे की हालत में। क्या? नवे शहर तो बनवाया सी, ये टैटू माता ने, इन्होंने ना मन्नत मांगी थी। मन्नत? मन्नत किस चीज की? मन्नत किस चीज की? मन्नत हाँ वो तो पापा बताएंगे ना, मैं तो तब निक्का सा था। वो बार में बढ़ोतरी के लिए व्यापार, व्यापार यानी बिजनेस में जो है वो बढ़ोतरी की वजह से माताजी जो है हमारी, वो उन्होंने नए शहर जाके ये टैटू बनवा लिया, मन्नत मांगी थी जो। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? जी मैं चाय का ठेला लगा। मेला 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 ठेला नहीं मेला। हमारे जो अंकल जी हैं इनकी ना इनके पास चाय के बागान हैं, दार्जिलिंग में चाय के बड़े बड़े बागान हैं, तो वो नवे शहर के मेले में उसका जो है एग्जीबिशन लगता है, तो वो स्टॉल को जो है ठेला बोल दिए, बहुत सीधे है ना, तो वही मेले में स्टॉल लगता है, तो उसकी बढ़ोतरी की वजह से इन्होंने जो है वो टैटू बनवाया व्यापार। बहुत सिंपल है ना। ताली नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैडम जी
मेरे होते हुए आपने क्यों तकलीफ की? अरे नहीं नहीं पापा जी। देखा कितने ग्राउंडेड है हमारे अंकल, हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। बैठो ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत डाउन टू अर्थ है। मेरी एक बात सब ध्यान से सुन लो, मेरी बहन मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर उसके साथ कोई धोखा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। सिंघानिया परिवार के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो और यहां गलती की सजा सिर्फ गोली है। क्या ये तो बहुत ही बढ़िया एक्टर है। वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, सच में गोली मार देगा, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। बेंच बैठो। भोले हैं भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ पापा के सामने, अच्छा नहीं लगता ऐसे। वाह प्रीति, अब भाई को समझाने लगी, इतनी बड़ी होगी तू। मुझे तो ना इन दोनों की शादी की बड़ी ही खुशी है। मैं तो चाहती हूँ इन दोनों की जल्दी से शादी हो और मुझे मेरे पैसे मिल जाए। तो ठीक है फिर आंटी, आज ही मंगनी करते हैं। आज ही कैसे? तुम्हें शादी नहीं करनी? तुझे नहीं करनी है ना शादी? क्यों नहीं करेंगे शादी? मेरा मतलब इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगी शादी। मेरे पास तो अंगूठियां भी नहीं है ना वो एक्सचेंज करने के लिए। अरे जग्गी तू टेंशन क्यों लेता है, ये घर अब तेरा भी है, तू टेंशन ना ले, मैंने सब अरेंजमेंट कर लिए, तू रिलैक्स कर ठीक है। ला भाई शगन का सामान लेके आ। आज ही करते हैं मंगनी। पहनो। गल जी आजकल कहाँ रह जाते हो, घर ही नहीं आते हो आप? निमृत मेरी जॉब बड़ी बिजी चल रही है और अब ना मेरी प्रमोशन होगी, तू मेरी वेट मत किया कर। वेट क्यों ना करूं, मेरा तो यहाँ दिल ही नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता मुझे दिल्ली रास आएगा। तो फिर घर पे चली जा ना, पटियाला चल जा मम्मी के पास। ऐसे कैसे चली जाऊं, वो भी आपको अकेला छोड़ के? तो फिर मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कर, चाय पानी भी पूछ लिया कर कभी आए को। निमृत तू ना सच्ची में पटियाले चली जा। अरे ये क्या देख रही हो तुम मेरे फोन में? अरे ये फोटो देख रही हो? अरे ये फोटो तो ना एक्ट कर रहे थे हम एक्ट, ये ना बिट्टू ने वहां पे पिक्स क्लिक कर ली, अब ये लड़की ना मुझसे बार बार फोटोस मांग रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या है ये क्या है? और कितना झूठ बोलोगे जी, तभी कभी अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया ना,
जाओ जिसके पास जाना है, मैं नहीं रोकती। आप सही कहते हो, मुझे पटियाला माँ के पास चले जाना चाहिए। हाँ हाँ चली जा तू पटियाला, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मेरे पल्ले तो साला पहले ही कख नहीं सी, उतो तू यही जी पल्ले पैगी। मैं नहीं तुम्हारे साथ सरवाइव कर सकता, बंदे के कुछ शौक होते हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, और तेरे साथ रह के ना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। चली जा तू, जा 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 जा, चली जा, जा। डिवोर्स के पेपर घर आ जाएंगे, कर देना साइन। हाँ जी, तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, हमारी हिंदी कैसे लगी और इसके बारे में जिक्र ज़रूर करना। और पंजाब वाले हो तो तुम मेरा पूरा साथ दियो हुण इस वीडियो च, क्योंकि मैंने थोड़े साथ की बहुत लोड़ है। थोने मेरी हिंदी तो देख ली कि किदा मैंने हिंदी परफॉर्म किया, तो हुण थोड़े वालों प्यार मैनू बहुत जरूरी आ, क्योंकि थोड़ा प्यार इन्ना जरूरी आ, क्योंकि जे तुसीं इस वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करोगे मैं होर इदा के रिस्क लेंदा रहूँगा लाइफ च, ते थोड़े लिए वधिया वधिया अलग अलग चीज़ां लेके आंदा रहूँगा। सो मैनू मोटिवेशन की लोड़ है इस टाइम, तुसीं मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो नू सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं अगे भी हिंदी वीडियोज प्रोड्यूस कर सकता। तो हिंदी वीडियो मेरा साथ दिता है मयंक मिश्रा ने, बहुत वधिया एक्टर ने, उन्हां दा खुद का चैनल आ, उन्हां नाल कलैबरेशन की है मैं, बाकी तुसीं जानदे भी होंगे उन्हां नूं, ते उन्हां दे चैनल का लिंक भी मैं इत्थे पा रहा हां, ते उन्हां दे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करिओ, तुसीं पंजाब वालों सपोर्ट जरूर दिखायो वीरे नूं, ते प्यार दिंदे रहो, थोड़े लिए वधिया वधिया वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो हूँ अपने चैनल में तुसी सबसक्राइब कर लो, लाल बटन प्रेस करके, तो बैल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि थोड़े तक नवी नवी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इदा ही पहुँचती रहन। तो फेसबुक से देख रहे हो जो तुम साड़ी है वीडियो, तो अपने फेसबुक पेज में लाइक कर लो, फॉलो कर लो, ताकि उत्थे भी थोड़े तक वीडियोज़ पहुँचदिया रहन। सो इदा ही प्यार बनाई रखो, मिलते हैं आप बहुत जल्दी नैक्सट पार्ट के साथ। हिंदी देखियो अगले पार्ट च, जो बहुत कुछ होगा हमारी हिंदी के साथ। सत श्री अकाल जी। तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा, मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा तू भी।